hello students today we will discuss the exercise of lesson number 8 so first question is fill in the blanks the earth is known as a dash planet so in the first paragraph of this lesson we have learned that most of the part of the earth is covered with water right सो दैट्स वाई द अर्थ इज नोन एज अ डैश प्लैनेट सो कैसा प्लानट होता है वॉटर को हम किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं मैप में यू नो ब्लू कलर आपने एस एस में सोशल साइंस में पढ़ा होगा दैट वॉटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर सो द अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट वाई ब्लू प्लानट बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर यू नो आ थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर सो ज्यादा लैंड पे आ, अर्थ पे क्या है वाटर है और जो लैंड है वो कम है सो दैट्स द अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट डैश एंड डैश आर टू मेजर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वॉटर सो वॉटर के कौन कौन से मेन नेचुरल सोर्सेस है नेचुरल सोर्सेज जिससे कि हमारे अर्थ पे वाटर आता है सो यू नो टू मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर कौन से हैं फर्स्ट इज योर रेन बिकॉज हमें जो जितना भी वाटर हमारे अर्थ पे आता है वो कहां से आता है रेन और स्नोफॉल स्नो से कैसे आता है स्नो जब मेल्ट uh, होती है इट अगेन कन्वर्ट्स इन टू सो दैट्स वाई इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर सो Two major natural sources of water are rain and snow. So, rain and snow are two major natural sources of water. Setting up of factories causes a dash in the level of underground water. So, we have discussed uh, the causes of.

ये हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है ऑब्वियसली इंक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि जो फैक्ट्रीज है वो वाटर को निकाल रही हैं। जब निकाल रही हैं जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सो सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अ डिक्रीज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा न कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट कॉजेज अ जो ट्रीज को कट किया जाता है उससे क्या प्रॉब्लम होती है इट कॉजेज अ डैश इन रेनफॉल सो रेनफॉल क्या हो जाती है जब हम ट्रीज कट करेंगे हमारे जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कम हो जाएंगे देन वट विल हैपन टू द रेन रेन हमारी अगेन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ज्यादा रेनफॉल होगी ट्रीज कम होने से या कम होगी रेनफॉल ऑब्वियसली जब हमारे ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो रेनफॉल भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी दैट मीन्स डिक्रीज इन रेनफॉल सो कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट कॉज इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल डिक्रीज इन रेनफॉल

फील्ड्स uh, को इरिगेट करने के लिए यूज करते हैं सो यूज ऑफ वॉटर स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन रिड्यूस द डैश ऑफ वॉटर हम क्या कर जो हम अगर वाटर स्प्रिंकलर यूज करेंगे फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए तो उससे वाटर का क्या काम हो जाएगा वेस्टेज कम हो जाएगी इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर वाटर की वेस्टेज कम हो जाएगी सो यूज ऑफ वाटर स्प्रिंकलर फॉर इरीगेशन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर सो नेक्स्ट इज योर मैच द फॉलोइंग कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट ट्रीज जो कट होते हैं फॉरेस्ट में उसे हम क्या बोलते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट नेक्स्ट इज योर कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डे टू डे यूज रेन वाटर को जो हम कलेक्ट करते हैं अपने डेली यूज के लिए वट इज इट कॉल थर्ड इज योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर एंड अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज हम वाटर को अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें और उसको वेस्ट ना होने दें उसे हम क्या बोलते हैं लास्ट वन इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड चेकिंग फ्लैट्स सो बहुत सारे लार्ज uh, क्वांटिटी में वाटर को प्रिजर्व कर रहे हैं मेथड जो जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं और फ्लड्स को भी आने से रोक सकते हैं वो कौन, कौन सा मेथड है सो दी वी हैव टू मैच विद द करेक्ट आंसर द आंसर वाटर कंजर्वेशन डैम डिफोरेस्टेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सो नाउ कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट सो ट्रीज को कट करते हैं जो हम फॉरेस्ट से उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन

वो क्या होते हैं इन दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डे टू डे यूज एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज एग्जाम्स में भी ये बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स सो बी केयरफुल कलेक्टिंग रेन वाटर रेन वाटर बारिश के पानी को हम जो कलेक्ट करते हैं डे टू डे यूज तो वो रेन से ही आपने मैच uh, कर सकते हैं रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग राइट रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टूडेंट्स राइट इट एज अ वाटर कंजर्वेशन सो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट हम लोग वाटर कंजर्वेशन मीन्स वाटर को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं और उसको वेस्ट होने से बचा रहे हैं दैट इज वाटर कंजर्वेशन एंड कलेक्टिंग रेन वाटर रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे दैट मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर

क्वांटिटी में वाटर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं रोक सकते हैं जो वाटर रिवर्स से बह के सी में चले जाते हैं उसमें से लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम सो डैम इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन टू मेजर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आर सो सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन फिलअप्स ऑल्सो टू मेजर नेचुरल सोर्सेस मेन जो नेचुरल सोर्सेज हैं वॉटर के वो कौन से हैं रेन एंड वेल्स नो रेन तो है बट वेल well तो यू नो वेल में अंडरग्राउंड वाटर आता है सो नेक्स्ट इज स्नो एंड रिवर्स स्नो एंड रिवर्स सो स्नो तो करेक्ट ऑप्शन है बट रिवर्स रिवर्स में रेन का वॉटर और स्नो का वाटर ही स्नो uh, जब मेल्ट होती है दैट वॉटर गोज इन टू द रिवर्स Next is rain and snow. So, yes, rain and snow is the correct option. And groundwater and rivers that is also not correct. So, rain and snow are the two na major natural sources of water. And next is your planting of more trees will help it. In Phillips, we have discussed Agarham uh, uh trees who cut karte hai, So, what will happen? The देर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल और अगर हम प्लांट करेंगे ज्यादा ट्रीज लगाएंगे देन ऑप्शन आर रिड्यूसिंग द ग्राउंड वाटर लेवल जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वह डिक्रीज हो जाएगा अब प्लांट लगाने से ग्राउंड वाटर का लेवल तो डिक्रीज नहीं होगा सेटिंग अप मोर फैक्ट्रीज तो प्लांट लगाएंगे तो क्या फैक्ट्रीज भी हम ज्यादा लगाएंगे नौ no.

ट्रीज uh, इंक्रीज होंगे तो रेनफॉल भी इंक्रीज हो जाएगी सो इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड द लास्ट वन इज वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर बाय अब इनमें से हम किस तरह से वेस्टेज रोक सकते हैं वाटर की फर्स्ट यूजिंग वाटर स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन कि वाटर स्प्रिंकलर हम इरीगेशन के लिए यूज करें सेकेंडली ओवर इरीगेशन ऑफ फील्ड अगर हम फील्ड को ज्यादा इरीगेट करेंगे तो हम अवॉइड मतलब वेस्टेज को रोक पाएंगे सो so नो no, वो तो वेस्टेज ज्यादा होगी ओवर इरिगेशन। वॉशिंग ओवर कार्स विद जेट ऑफ वाटर, सो जेट ऑफ वाटर मीन्स पाइप लगा के अगर हम वॉश uh, करेंगे सो इट अगेन देर इज अ वेस्टेज ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज वी शुड यूज मग एंड बकेट उससे हम वॉश करें तो हमारा वाटर सेव हो सकता है Then allowing uh, allowing water to leak from types, taps 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 water leak hone de again it is a wastage of water so first one is using water sprinkler for irrigation this also uh, we have discussed in Phillips ki uh, water sprinkler agar hum use karte hain, irrigation ke liye, so it avoids the wastage of water so this is the correct option using water sprinkler for irrigation so in next video we will discuss the question answers of this lesson thank you